कल दिनांक 25/2/2023 को पिस्टल पॉइंट पर बाइक छीनने पर उज्जवल शाह पर गोली चलाने, फुर्ती मांगने व पेट्रोल पंप पर पिस्तौल के दम पर तेल डलवाने बारे घटना की गई थी कि आरोपियों को पुलिस द्वारा 24 घंटे से कम समय में गिरफ्तार किया गया है। कल 25/2/2023 को दो नौजवान लड़कों ने महात्मा गांधी अस्पताल के पास से पिस्टल पॉइंट पर एक मोटरसाइकिल नंबर HR02AR8876 KTM को छीना और उसके बाद दोनों नौजवान लड़के पटेल नगर हिसार में विजय ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और उसके मालिक को 50 लाख की फिरौती देने बारे पर्ची दी और उसको पिस्तौल दिखाकर धमकाया और उसके बाद उसको सीधा फायर किया जो गोली उसके शीशे पर लगी और उसके बाद दोनों नौजवान लड़के बाइक लेकर आर्यनगर में खुशी एस के एस पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां पर दोनों ने अपनी बाइक में 1000 रुपये का तेल डलवाया और जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो पिस्टल को भी पिस्टल दिखाकर दोनों मुकवा बाइक लेकर भाग गए, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक हिसार द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था और पीड़ित ज्वेलर्स को तुरंत गनमैन की सुविधा दी गई और वहां पर PCR लगाई गई थी। जो पुलिस की चारों टीमें आरोपियों की तलाश कर रही थी और इनके जो मौका वारदात घटनास्थल और ये जो आसपास कैमरे लगे हुए थे पेट्रोल पंप और ज्वेलर शॉप के कैमरों को चेक किया गया तो उसमें दोनों की पहचान आशु उर्फ आशुतोष सनोप गोपीराम वासी आर्यनगर हिसार वह दूसरे की दीपक उर्फ नोनी पुत्र कैलाश वासी वाल्मीकि मोहल्ला पटेल नगर हिसार के रूप में हुई थी। जो आज दिन में सूचना प्राप्त हुई कि दोनों जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन गांव पीरावाड़ी के आसपास बंगला रोड पर देखे गए हैं और उनकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी उसी इलाका की आई, जिस पर SI धर्मवीर अपनी टीम के साथ साउथ बाईपास पर उनकी तलाश में जा रहा था तो सामने से दो लड़के बाइक पर आते दिखाई दिए तो SI धर्म जो सामने से पुलिस पार्टी की गाड़ी को देखकर एकदम मुड़कर भागने लगे तो SI धर्मवीर ने अपनी पार्टी के साथ सरकारी गाड़ी द्वारा उनका पीछा किया और नजदीक जाने पर बाइक का उनकी लोकेशन गांव पीरावाड़ी के आसपास बंगला रोड पर देखे गए हैं और उनकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी उसी इलाका की आई, जिस पर SI धर्मवीर अपनी टीम के साथ साउथ बाईपास पर उनकी तलाश में जा रहा था तो सामने से दो लड़के बाइक पर आते दिखाई दिए तो SI धर्म जो सामने से पुलिस पार्टी की गाड़ी को देखकर एकदम मुड़कर भागने लगे तो SI धर्मवीर ने अपनी पार्टी के साथ सरकारी गाड़ी द्वारा उनका पीछा किया और नजदीक जाने पर बाइक का जो मोबाइल नंबर था वो जो कल छीनी हुई बाइक है वो पाया। पुलिस के नजदीक जाने पर दोनों नौजवान लड़कों ने अपनी बाइक को डेयरी फार्म की जो खाली जमीन है उसके अंदर से गांव पीरावाड़ी की तरफ कच्चा रास्ता जाता है उस पर भगा लिया। पुलिस पार्टी ने उसका लगातार पीछा किया जो आगे जाकर बाइक सिलक होकर गिर गई और दोनों लड़के उठकर भागने लगे तो पुलिस पार्टी ने भी उनको पकड़ने की कोशिश की तो पहले आशुतोष ने पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसके जवाब में SI धर्मवीर ने उसको चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और एक हवाई फायर किया। इसी दौरान उसके साथी दीपक ने भी पुलिस पार्टी पर SI धर्मवीर की तरफ जान से मारने के लिए से सीधा फायर किया जो धर्मवीर ने अपने बचाव में पुलिस पार्टी के बचाव में उसके पैरों पर की तरफ फायर किया जो गोली उसके दाहिने पैर में और बाएं पैर के टखने में जाकर लगी और वो वहीं गिर गया और पुलिस ने इसी दौरान दोनों नौजवान लड़कों को काबू कर लिया। दीपक को इलाज के लिए सीरो हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है और दोनों से एक पिस्टल नाजायज 32 बोर व एक देसी पिस्तौल कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है और कल छीनी हुई और वारदात में प्रयोग की गई जो मोटरसाइकिल है उसको भी कब्जा पुलिस में लिया गया है।
सर इन दोनों पे कोई और भी आरोप है, कोई और भी केस है? पहले इन पर लड़ाई झगड़ा का केस है और जिनकी अभी पूछताछ की जा रही है और जिनका जो रिकॉर्ड है उसको अभी चेक किया जा रहा है। पहले वो दुकान की रेकी वगैरह भी की थी सर? अभी आरोपियों को काबू किया गया है, अभी पूछताछ की जाएगी इनसे। सर कोई मकसद क्या था इस वारदात का? दहशत फैलाना था या पैसा कमाना था, मकसद क्या लग रहा है इसका वारदात को लेकर के? कोई जो बातें अभी आपके सामने आई है उसको लेकर क्या लग रहा है? अभी पुलिस जो मौके कार्रवाई थी उसमें व्यस्त थी, तो अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। इस वारदात में कोई और भी शामिल है या केवल दोनों लोग ही शामिल है? अभी इनसे पूछताछ की जानी पकाया है, अभी पूछताछ की जा रही है, जैसे कोई पूछताछ होगी इसके लिए बाद में खुलासा कर दिया जाएगा।